नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बरूथनी एकादशी व्रत के पारण के विषय में है, या फिर कहूं कि सभी एकादशी, कोई भी एकादशी हो उसके पारण का नियम क्या है, पारण में किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मेरे सभी भाई बहन यह जानते हैं कि एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण होता है, जितना पुण्यफल प्रदान करने वाला होता है, उतना ही महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पारण भी होता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत का पारण यदि हम सही समय पर नहीं करते हैं, सही नियम के अनुसार नहीं करते हैं, सही विधि का पालन नहीं करते हैं, तो हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। या फिर हम कोई ऐसी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाप या दोष के भागीदार बनते हैं। तो एकादशी जो व्रत है यह दशमी तिथि से ही प्रारंभ होता है और द्वादशी अर्थात पारण के दिन भी इसके कुछ नियम है जिनका पालन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इस समय वैशाख मास चल रहा है और बरूथनी एकादशी अर्थात वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी 4 मई दिन शुक्रवार को धारण की जाएगी। इस व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण का शुभ समय क्या होगा, पारण के दिन आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पारण में किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और पारण किस नियम के अनुसार करना चाहिए, पारण के दिन आपको कितनी बार अन्न ग्रहण करना चाहिए अर्थात कितनी बार भोजन करना चाहिए, पारण किस विधि से करना चाहिए, पारण से पहले हमें क्या क्या कार्य जरूर कर लेने चाहिए, उसके बाद ही हमें पारण करना चाहिए। कहने का मतलब बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, जिससे कि आप व्रत के साथ साथ पारण भी सही विधि से करें, सही नियम के अनुसार करें, जिससे मेरे सभी भाई बहनों को एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। आज मैं संपूर्ण पारण का नियम बताऊंगी, विधि बताऊंगी, साथ में बरूथनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय क्या होने वाला है यह भी आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बरूथनी एकादशी व्रत का पारण 5 मई दिन रविवार को सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक किया जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम को 5:41 पर, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, तो इसलिए मैंने द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय भी बता दिया। अब देखिए संपूर्ण नियम आप लोग जान लीजिए। उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, नहीं अच्छा लगे तब भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या कमी है, क्या सुधार करना है, वो मैं जरूर करूंगी। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पारण के दिन भी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। वैसे भी वैशाख मास चल रहा है तो सूर्योदय से पूर्व स्नान का तो बहुत ही अधिक महत्व है। आप लोग अपनी दैनिक जो क्रिया है उससे निवृत्त होने के बाद स्नान कर लीजिए। सबसे पहले सूर्य भगवान जी की पूजा कीजिए, माता तुलसी जी की पूजा कीजिए। इस दिन आप माता तुलसी जी को जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन जल अर्पित नहीं किया जाता है, द्वादशी के दिन आप जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन पड़ रहा है तो इसलिए इस दिन जल अर्पित नहीं किया जाएगा और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ा जाता है द्वादशी तिथि पर भी। यह मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ, पहले से ही आपको अपने घर में तुलसी पत्र रखना चाहिए, जिससे कि एकादशी पर भी आप भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सके और द्वादशी तिथि पर भी आप भगवान विष्णु जी के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित कर सके। जैसा कि इस दिन रविवार पड़ रहा है, आप माता तुलसी जी को प्रणाम कर लें, दूर से ही उनकी वंदना कर लें। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी कृष्ण भगवान जी के मंदिर में, विष्णु भगवान जी के मंदिर में आप पूजा अर्चना करें। अपने घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान विष्णु जी को जिस प्रकार से आप एकादशी के दिन आप पूजन अर्चन करते हैं, उसी प्रकार से आपको द्वादशी तिथि पर भी भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। अब बात आती है, जैसे एकादशी के दिन हम अनाज से संबंधित, अनाज मिला हुआ कोई भी वस्तु का भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन आप द्वादशी तिथि पर शुद्ध सात्विक आप भोजन बनाकर, जैसे कि आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, चावल से बनी हुई कोई भी शुद्ध सात्विक जिसमें कि लहसुन प्याज का प्रयोग न हुआ हो, सरसों तेल का प्रयोग न हुआ हो, क्योंकि द्वादशी तिथि पर जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सरसों तेल में वह भोजन नहीं बनाना चाहिए। जो आपका प्रथम भोजन होगा उसे सरसों तेल में नहीं बनाना चाहिए। आप उस भोजन का, उस शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं, जिसमें कि तुलसी पत्र आप जरूर डालें, भगवान विष्णु जी को फल मिठाई इत्यादि भी आप अर्पित कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी की विधि विधान से आरती करें,
उसके बाद आप दान करें। पारण से पहले आपको दान करना है, ये सारे कार्य करके ही आपको पारण करना है। अब देखिए दान के विषय में मैं बता दूं, बहुत सारा कंफ्यूजन ये होता है कि जैसे कि दशमी तिथि पर चावल खाकर हम व्रत प्रारंभ नहीं करते हैं, एकादशी पर हमें चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनके लिए भी ये नियम है कि एकादशी पर चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन द्वादशी पर इसी बात को लेकर बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें पारण के दिन भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल का दान नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आटे का दान करते हैं क्योंकि चावल का दान नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार आता है। लेकिन ये बात आप लोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, द्वादशी पर चावल बिल्कुल भी वर्जित नहीं है। आप खिचड़ी का भोग भी लगा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया है, चावल का दान भी कर सकते हैं और चावल का सेवन भी कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। आप लोग संपूर्ण अनाज का दान करें, आप लोग आटे का भी दान करें, चावल का भी दान करें, दाल भी रखें, सब्जियां रखें, मिर्च मसाले भी रखें, हल्दी नमक भी रखें, फल इत्यादि रखें, सब चीजों का दान आप कर सकते हैं, साथ में दक्षिणा रखें। अब दान भी आप कर सकते हैं या फिर आप ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। ब्राह्मण नहीं उपलब्ध है, नहीं सुबह सुबह मिल पाते हैं, तो आप गौ माता के लिए भोजन निकाल सकते हैं, या फिर गौ माता मिलती है तो आप तुरंत ही सर्वप्रथम गौ माता को भोजन करा सकते हैं। मान लीजिए गौ माता तुरंत नहीं मिल पाती है या फिर नहीं है वहां पर आपके आसपास, तो आप पक्षियों के लिए भोजन निकाल सकते हैं, उसके बाद ही आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब पारण का जो नियम है उसे मैं बताती हूँ। सर्वप्रथम आपको तुलसी पत्र जो आपने भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित किया है या भगवान कृष्ण जी के चरणों में, लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पित किया है, उसी तुलसी पत्र को ग्रहण करके निगल कर, तुलसी पत्र चबाना नहीं चाहिए, ये आप सभी लोग जानते होंगे। जो भी भाई बहन नहीं जानते हैं तो तुलसी पत्र दांतों से चबाकर कभी भी नहीं खाना चाहिए। तुलसी पत्र निगल कर आप एकादशी व्रत का पारण करें। उससे पहले, तुलसी पत्र खाने से पहले, पारण से पहले आप भगवान विष्णु जी से अपनी त्रुटियों के लिए, गलतियों के लिए, दोष के लिए, पाप के लिए क्षमा मांग लें, उसके बाद ही आप पारण करें। और फिर यदि आपने किसी भोजन का शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर आपने भोग लगाया है तो सबसे पहले उसी भोजन को ग्रहण करके आपको पारण करना चाहिए। यदि आप सुबह सुबह भोजन नहीं तैयार कर पाए हैं, केवल फल या मिष्ठान इत्यादि का भोग लगाए हैं, तब भी कोई बात नहीं, आप उसी फल या मिष्ठान को थोड़ा सा खा लें, उसके बाद अपने रसोई में शुद्ध सात्विक आप भोजन बनाएं, जिसमें कि आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, तेल इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है, और मसूर की दाल आपको भोजन में नहीं बनानी है, बैंगन की सब्जी नहीं बनानी, साग नहीं बनाना है। इन सब चीजों का त्याग करते हुए फूल गोभी को भी मना किया जाता है, फूल गोभी भी नहीं खाया जाता है एकादशी व्रत के पारण में। तो इन सारी चीजों का त्याग करते हुए शुद्ध सात्विक बिल्कुल भोजन बनाकर आप भोजन ग्रहण करें एकादशी पारण के दिन। ये सारे नियम तो आपने जान लिए। कभी भी तीन बार भोजन नहीं करना चाहिए, हमेशा दो बार भोजन करने की सलाह दी गई है, नियम बताया गया है। अब देखिए भोजन के विषय में मैं बता दूं कि अनाज से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो हम जो भोजन करते हैं, जो हमारे घर में सुबह और शाम बनता है, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी आपके घर में बनता है, ये भोजन। लेकिन वैसे भी अनाज से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं, तो दो बार भोजन नहीं करना है। लेकिन आपने बिस्किट खा लिया, आपने चना खा लिया, आपने नमकीन खा लिया, अर्थात अनाज से संबंधित आपने कोई भी चीज खा लिया, तो वो भी अन्न के ही श्रेणी में आता है। तो दो बार अन्न ग्रहण नहीं करना है, तो इसलिए इस बात का भी आप ध्यान दीजिए कि आपने एक बार भोजन कर लिया तो फिर आपको भूख इत्यादि यदि लग गई है तो आप ऐसी वस्तु का सेवन कर लें जिसमें अनाज ना हो, जैसे फल का सेवन कर लें, कोई फलाहारी वस्तु का सेवन कर लें। ऐसी वस्तु बनाकर भी सेवन की जाती है, जैसे हम फलाहार बनाते हैं, तो कोई भी वस्तु आप बनाकर सेवन कर लें जिसमें अनाज ना हो, तो आपको दोष नहीं लगेगा। अनाज का सेवन आपको दो बार से अधिक एकादशी व्रत के पारण में नहीं करना चाहिए। वैसे जो लोग बच्चे हैं या वृद्ध हैं या बीमार हैं, उनके लिए सब कुछ क्षमा है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इन तीन लोगों के लिए सब कुछ क्षम्य होता है, इनके लिए कोई दोष और अपराध नहीं होता है, जिनकी व्यवस्था है। लेकिन जो समर्थ हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, वो यही प्रयास करें कि दो बार भोजन करें और बीच में कुछ भूख लगती है तो फलाहार ले ले, चाय पानी फल दूध जूस, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अनाज नहीं है, तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है।
अब बात करती हूँ सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कि एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है वो हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर में कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता है। अब बहुत से लोग हरिवासर नहीं जानते होंगे, उन्हें मैं बता दूं हरिवासर क्या होता है। द्वादशी तिथि का पहला जो चौथाई हिस्सा होता है, चौथाई समय होता है, वो हरिवासर का समय होता है। उस समय के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। जैसे कि द्वादशी तिथि लग गई, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो गई, तो हमने सोचा कि अब हमें पारण कर लेना चाहिए, लेकिन नहीं। नियम तो यही है कि हमें द्वादशी तिथि में ही पारण करना चाहिए। कभी भी द्वादशी तिथि समाप्त हो जाने पर, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने पर हमें पारण नहीं करना चाहिए। लेकिन द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा जब समाप्त हो जाए, अर्थात हरिवासर समाप्त हो जाए, तभी हमें एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन हमें अवश्य ही करना चाहिए। तो ये सारी बातें एकादशी व्रत के पारण के विषय में हैं, जिन्हें हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। यदि हम एकादशी व्रत कर रहे हैं तो हमें एकादशी व्रत के सभी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वैसे भगवान सब कुछ जानते हैं, कहीं जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम भक्तों से कभी भी भगवान रुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जितना हमें जानकारी हो, जितना हम जाने, उतने नियमों का पालन हमें करना चाहिए और जहां तक हो सके करना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में हम फंस जाएं, कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए, तो सब कुछ क्षम्य होता है। भगवान भी हमें जानते हैं, हमारी सारी स्थिति को जानते हैं। तो इसलिए भगवान के चरणों में क्षमा मांगते हुए हमें अपने सारे कार्य को करना चाहिए, हमें कोई भी दोष नहीं लगेगा। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।